सात चल इसकी ना अभी लेता हूँ मैं। मसल में ना ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, इंजरी से बचते हैं आप। जहां जगह दिखती है वहीं लेट जाता है बेटी, तो कछुआ हो रहा। हिम्मत खत्म हो गई। और जब सामान चलता है ना तो पानी की कमी अंदर से महसूस होती है, होंठ सूखते हैं और चिड़चिड़ापन सा रहता है। जब तक आप खुद की मसल को नहीं समझेंगे, कनेक्शन आप नहीं बनाएंगे माइंड के साथ, आपकी बॉडी नहीं बन सकती है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहे, अच्छा खाएं, अच्छे दिखें। वो निखिल है, आपने वीडियो देखी कि वो ट्रांसफॉर्म करेगा। मैंने बड़ी शिद्दत के साथ उसको 20 दिन 21 दिन वीडियो डाली। वो सब कुछ अगर आप सोचो कराने वाले के ऊपर है, तो मैं कोई फीस नहीं लेता हूँ इनसे। एक भाई बंदी प्यार में, मैं खुद वर्कआउट करता हूँ तो इनको भी करा देता हूँ। वर्कआउट के बाद की जो डाइट और वर्कआउट से पहले की जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा आपकी रिफ्लेक्ट करती है बॉडी में असर, तो वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि फैट और कार्ब आपके दुश्मन नहीं है। सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज है डे 33 और स्टेरॉइड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर बर्थडे चैलेंज। तो आज मैंने लेना है शोल्डर का वर्कआउट, और शोल्डर का इंटेंसिव वर्कआउट करेंगे, सर्किट वर्कआउट भी मिक्स करेंगे। तो आज हम लेंगे स्लो टच फाइबर्स को एक्टिव करेंगे विद द इफेक्ट ऑफ सर्किट ट्रेनिंग, शोल्डर का वर्कआउट। तो वार्म अप कर चुका हूँ मैं, रेडी हूँ वर्कआउट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं पहले वर्कआउट पे। सो दिस इज माय फर्स्ट वर्कआउट, और पहले वर्कआउट में फ्रंट बारबेल प्रेस फॉर शोल्डर, नेगेटिव पोस्चर स्लो लाना है एंड फास्ट। इसी वेट को कैरी करूंगा मैं, और इसके साथ फिर ड्रॉप सेट लेंगे वेट बढ़ा के। तो वर्कआउट होने वाला बहुत ज़्यादा इंटेंसिव, और गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, दिल्ली में हालत हो रही है बिल्कुल ज़्यादा बुरी। और जब सामान चलता है ना तो पानी की कमी अंदर से महसूस होती है, होंठ सूखते हैं और चिड़चिड़ापन सा रहता है। खाना खाया नहीं जा रहा ढंग से, सिर्फ लिक्विड ज़्यादा लिया जा रहा है। वो सब चीज़ें शेयर करनी है आपके साथ कि कैसा इफेक्ट होता है स्टेरॉइड्स के साथ में। तो चलिए करते हैं फाइनल वर्कआउट। सो अब है फाइनल वर्कआउट, पहली एक्सरसाइज का फाइनल सेट है ये, और इसमें लेना है मुझे ड्रॉप। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। ओह, इधर से निकाल लियो यार, वाट लग जाती है यार जब हम ड्रॉप करते हैं ना एक्चुअली। वाट, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। सपोर्टर आप अपना अवश्य रेडी रखें, क्योंकि यहाँ मदद की आवश्यकता है। आग लग रही है शोल्डर में। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो 21 रैप तो हो चुके हैं, 9 रैप हैं इसके। ओ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ। ओह, तो पूरे 30 रैप, और 30 रैप के बाद हिम्मत खत्म हो गई, लेकिन हार नहीं मानेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट में। सो नेक्स्ट वर्कआउट लेते हैं भाई, और नेक्स्ट वर्कआउट में मैं लूँगा बिहाइंड नेक बारबेल प्रेस फॉर शोल्डर, एंड साथ में करेंगे इसके फ्रंट रेज, दोनों टफ होने वाले। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, 12, ओफ, 12 रैप। और अब इसके साथ लेते हैं फ्रंट रेज अंदर की तरफ करके। 1, 2, 3, 4, बॉडी रोकनी है आपको। 7, 8, 9, 10। और
दिस इज लास्ट वर्कआउट, सेकंड वर्कआउट का लास्ट सेट है। एक दो, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, थोड़ा सा आगे की तरफ बैंड होके, वन टू थ्री फोर सिक्स। नाउ चेंज द ग्रिप, हाथ बिल्कुल सीधे, एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। फील द पेन। सो नाउ दिस इज टाइम टू टेक नेक्स्ट वर्कआउट, और अभी लेंगे हम शक्स, और शक्स के साथ लेंगे फेस पुल। और कल भी मैंने वीडियो में गाली भी की थी, और आज फिर देखो रेस्ट लेने के लिए कछुआ देखो कैसे लेट गया, जहां जगह दिखती है वहीं लेट जाता है बेटी, तो कछुआ हो रहा है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। हमेशा फोकस करें कि जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो शख्स के अंदर ऊपर लाके जस्ट होल्ड एंड स्लोली रिलीज। इसके साथ फेस पुल लेंगे, और फेस पुल बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है आपके रियर डेल्ट के लिए, तो इसे नज़रअंदाज ना करें। और इसके अंदर वर्कआउट करते वक्त ना लोगों का मिथ है, अभी मुकुल कर रहा था तो इनको ऐसे लेट के करने में ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। एंड आई एम सेइंग यू कि जस्ट पोस्चर क्रिएट करें आप, आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी रहेगी, एंड जस्ट फील योर वेट विद योर मसल। माइंड कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा भी वर्कआउट लेकिन सही दिशा में आपको बहुत ज्यादा फर्क देगा। और बीच बीच में आप पोज करना ना भूलें, क्योंकि मसल में ना ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, इंजरी से बचते हैं आप। आओ मुकुल को यमराज दिखाते हैं, अब बदला लेता हूँ इससे जो मेरी खराब करता है ना। चल आगे झुक के रहे, आगे झुक के रहे, वन टू थ्री फोर, सामने देख, सामने नीचे 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 नीचे, और ये बॉडी लॉक रख, हाँ उठा, हाँ ये चल, तीन चार पांच छ, गिर मत, सात चल इसकी ना, अभी लेता हूँ मैं, एक दो तीन चार, ये इतने झटके ले लेके करना नहीं है, हमेशा आप भी गलती करते हैं। बस बस बस, ओवर वेट लेना, कोई भी ईगो लिफ्टिंग से कोई बॉडी नहीं बन रही है आपकी। अरे देखो साइज गेन हो रहा है भाई मेरा, भाई मेरी पावर बढ़ रही है, लेकिन सही दिशा में बढ़ाओ ना। झोटा बनने में और घोड़ा बनने में फर्क है, झोटे मत बनो, खाली घोड़े बनो जो रेस में फर्स्ट आने की क्षमता रखता है। इधर इधर इधर, फेस पुल फेस पुल, चल बहाना देखो कितना बढ़िया लिया इसने कि मेरा फोन बज रहा है, तो मेरा फोन बज रहा है, बजने दे, लेकिन तू वर्कआउट कर, चल स्टार्ट। अभी मैंने बताया पैर आगे पीछे कर, बॉडी को सीधा रख, कम ऑन, वन टू टच करना है हाथ, थ्री फोर फाइव, रोक, चल जा यहीं से खींच, गुड, आवाज दे आवाज दे, अबे मुकुल, अबे माँ के मगर मत, मतलब पापा की परी बुरी तरह फड़फड़ाएगी जब इस माँ के मगरमच्छ के पास आएगी, ये पापा की परी देखो कैसे फड़फड़ा रही है। क्या हुआ ने? तो करना भी तो रैप थे तेरे, एक्चुअली आपको मेहनत करनी चाहिए, मौज मस्ती मजाक एक पार्ट है। चलो चल पीछे स्ट्रेट, ये जो गलत मूवमेंट से आप कर रहे हो ना, बहुत सारा वर्कआउट करना और थोड़ा और सही दिशा में करना बहुत अंतर है। सो प्लीज फोकस करें व्हाट यू आर डूइंग, अगर आप सही नहीं कर रहे हैं यू आर वेस्टिंग योर टाइम, फिर ब्लेम मत करो किसी कोच को, किसी जिम को, किसी सप्लीमेंट को, फोकस यहाँ, सबसे बड़ा ट्रेनर आपके यहाँ है, जय श्री राम। सो अब है नेक्स्ट वर्कआउट, और मुझे लेना है अपराइट रोइंग, और फील पंप कैसा आ रहा है ये बताएं आप। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, 10 रेपिटेशन। और इसके साथ में
अब एक्चुअली वाट लग चुकी है शोल्डर की, लेकिन साइड रेज लेंगे इसके साथ में। और अब लेंगे हम साइड रेज हैमर ग्रिप में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नाउ चेंज 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओह, ये जो कॉम्बिनेशन है ना थोड़ा सा चेंज करने का, जो आप वर्कआउट पहले ऐसे और फिर ऐसे, जब तक आप खुद की मसल को नहीं समझेंगे, कनेक्शन आप नहीं बनाएंगे माइंड के साथ, आपकी बॉडी नहीं बन सकती है। तो ये मेरा वर्कआउट, इसके बाद मैं रियर डेल्ट का एक वर्कआउट और लेके एंड करते हैं, फिर करते हैं एब्डोमिनल्स विद साइड, वो शेयर करता हूँ आपके साथ में। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहे, अच्छा खाएं, अच्छे दिखें, मिलते हैं नेक्स्ट रियर डेल्ट वर्कआउट की। बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है, अगर आप रियर डेल्ट अपना बहुत पंटेबिलियसली बनाना चाहते हैं, देन यू शुड अप्लाई दिस वर्कआउट ऑन योर वर्कआउट शेड्यूल। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ और आगे की तरफ थोड़ा सा बैंड रहना है, और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितना हाथ हो सके ना यहां से पीछे की तरफ कोशिश करनी है, लॉक करना है स्लो आगे। जब तक आप अपने शरीर की आवाज नहीं सुनेंगे ना कुछ नहीं होगा। बहुत दुख होता है, मतलब जब जैसे अब ये मुकुल है पैसा लगा रहे, अब वो निखिल है, आपने वीडियो देखी कि वो ट्रांसफॉर्म करेगा, मैंने बड़ी शिद्दत के साथ उसको 20 दिन 21 दिन वीडियो डाली, उसके बाद में 2-3 किलो वेट बढ़ा रहा है, तो नॉट दैट मच व्हाट आई वांट। सब कुछ अगर आप सोचो कि कराने वाले के ऊपर है, तो मैं कोई फीस नहीं लेता हूँ इनसे ना कोई किसी तरीके की कोई ऐसा, सिर्फ एक भाईबंदी प्यार में। मैं खुद वर्कआउट करता हूँ तो इनको भी करा देता हूँ, लेकिन दे आर जस्ट थिंकिंग दैट कि सब कुछ सामान से होता है, सब कुछ एक्सरसाइज से हो जाता है। एंड आई एम सेइंग दिस कि सबसे बड़ा रोल आपकी रसोई का है, अगर आप डाइट से मजबूत हैं यू आर एबल टू डू एवरीथिंग। लेकिन इनकी समझ में नहीं आती, उस निखिल को वीडियो में ना लेने का, बहुत लोग पूछते हैं कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है, इसलिए वीडियो नहीं आ रही है, वो गेन करने के बजाय उसी पे स्थिर रखना। आज भी 5-5, 7-7 किलो मैं कह रहा हूँ, पुश करो खुद को, चेक योर लिमिट्स, बट दे आर नॉट चेकिंग, दैट्स वाई आई फील सो हर्ट। मिलते हैं एब्स के वर्कआउट, सो अब लेते हैं वर्कआउट का एंड करते हैं। अब मैं लेता हूँ एब्डोमिनल्स के लिए वर्कआउट, तो फर्स्ट वर्कआउट और इसके 25 से 30 रेपिटेशन बनाऊंगा मैं, और उसके बाद फिर लेग रेज। ओफ, आगे आना है तो सांस छोड़ना है, पीछे जाना है तो नॉर्मल, और उसके बाद एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई है बॉडी में यार। अब इसके साथ लेगरेज, लेगरेज आप किसी भी फ्लैट सरफेस पे ले सकते हैं, अगर आप टेबल पे ले सकते हैं ग्रिप आउट करके ऊपर, या सीधे भी लेटकर आप ले सकते हैं फ्लैट, उस पर आप हाथ इस तरीके से रख सकते हैं, फर्स्ट पोर्शन ये रहेगा, ऐसे कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप ग्रिप करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसी तरीके से आपको कंबाइंड करके सर्किट एक वर्कआउट बनाना है। तो आज के ब्लॉग का एंड करते हैं, ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नाउ दिस इज टाइम टू टेक प्रोटीन, और अंदर से बहुत ज़्यादा अब भूख लग रही, क्रेविंग हो रही है, लेकिन हैवी प्रोटीन डाइट वर्कआउट के बाद की जो डाइट और वर्कआउट से पहले की जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा आपकी रिफ्लेक्ट करती है बॉडी में असर, तो वो बहुत मायने रखती है, तो उन पर ध्यान दें। अगर आप गेन कर रहे हैं तो कार्ब फैट एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन बड़ी नपीतुली मात्रा के अंदर रखें, और अगर आप लीन कर रहे हैं तो हाई प्रोटीन कार्ब एंड फैट लिमिट मात्रा में, क्योंकि फैट और कार्ब आपके दुश्मन नहीं है। सो नाउ दिस इज टाइम टू साइन आउट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।